हेलो स्टूडेंट्स क्लास सिक्स चैप्टर टू ग्लोब लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आज हम इसमें पढ़ेंगे कि लेटिट्यूड क्या होता है लॉन्गी क्या होता है सबसे पहले हमें देखते हैं कि ग्लोब किसे बोलते हैं ठीक है थीके? तो ग्लोब बोलते हैं देखो आपको ये फिगर्स शो हो रही होगी यहाँ पर ये आपने देखा भी होगा आपके स्कूल में होता होगा ये ग्लोब ठीक है इस इस टाइप का तो अब ये ग्लोब क्या है एक तरीके से ये अर्थ है हमारा पूरा ये अर्थ जो है आपको दिखाई दे रहा है अर्थ शेप में और इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें ओशन दिखाई दे रहा है कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं ठीक है, है, है। काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है इसमें कॉन्टिनेंट हो गया कंट्रीज हो गए ओशियंस हो गए ये सारी चीज हम ग्लोब में अच्छे से देख पाते हैं अब नेक्स्ट अब जो अर्थ होती है वो कैसे मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है अब इसमें जो है ना सबसे पहले हम देखेंगे लैटीट्यूड किसे बोलते हैं अब देखिए लैटीट्यूड किसे बोलते हैं यहाँ पर एक फिगर भी दिया हुआ है हमें ये देखिए ये वाला जो फिगर है ये लाइंस है ना लाइंस एक तरीके से जो बोलते हैं कि लेटी हुई है लाइन ठीक है और यहां पर ये स्ट्रेट स्ट्रेट वाली को क्या बोलते हैं लॉन्गीट्यूड देखिए यहाँ पर ये वाला ये स्ट्रेट है लंबी लंबी लाइन है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हुई लाइन है उसको क्या बोलेंगे हम लैटिट्यूड ये देखिए लैटीट्यूड और इक्वेटर किसे बोलते हैं हमने अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये जो हमारा ग्लोब है अगर हमने इसको टू पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो बीच में एक लाइन हम जो ड्रॉ करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे हम इक्वेटर इक्वेटर क्या करता है टू पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है अब इस वाले पैराग्राफ में तो देखो आपको ग्लोब के बारे में बताया है कि ग्लोब होता है वो हमें छोटे फॉर्म में मतलब बॉल के फॉर्म में भी मिलता है जो हम पॉकेट में अच्छे से रख सकते हैं कैरी कर सकते हैं स्कूल्स में भी रखे होते हैं ग्लोब काफी सारे मतलब काफी स्कूलों में होता है मोस्टली स्कूलों में तो होता ही है ग्लोब तो जिस बच्चों को दिखाने के लिए कि कैसे कैसे मतलब एक्सिस वगैरह क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताने के लिए ग्लोब को इसलिए स्कूल में रखते हैं समझाने के लिए अब देखिए इसके बाद क्या है हमारा इक्वेटर इक्वेटर भी समझ आ गया हमें कि ग्लोब को टू टू, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम इक्वेटर नेक्स्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी पता चल गया हमें कि लैटिट्यूड देखो ये जो लाइंस है इक्वेटर से ऊपर जाएगी ना यानी कि इक्वेटर पे क्या है जीरो डिग्री है ठीक है जीरो डिग्री है और ऊपर की ऊपर वाली जो ऊपर वाला एरिया है वो क्या है पूरा नॉर्थ और जो नीचे वाला एरिया इक्वेटर के वो है पूरा साउथ इक्वेटर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है नॉर्थ को और साउथ को जो इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया याद रखना कि ये है नॉर्थ और जो नीचे वाला एरिया है वो क्या है हमारा साउथ तो इसको एन से रिप्रेजेंट किया देखो यहाँ पे एन एन लिखा है ना और नीचे लिखा है हमारा साउथ अब आप सोचोगे कि ये ट्वेंटी डिग्री फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री ये क्या है अब देखो जो हम डिग्री स्टार्ट करते हैं ना वो करते हैं हम इक्वेटर से स्टार्ट इक्वेटर पे क्या होगा जीरो डिग्री और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एट्टी और लास्ट में तुम्हें तो ये तो जो पॉइंट दिखाई दे रहा तो है ना एकदम ब्लैक ब्लैक ये हमारा नाइन्टी डिग्री नॉर्थ यानी कि नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पे जाके स्टॉप हो जाता है आपने एक चीज नोटिस करी होगी जब हम इक्वेटर से धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं तो ये साइज़ जो है जो ये जो साइज़ है वो क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज़ होता जा रहा है देखो पहले इतनी बड़ी लाइन है ये कितनी बड़ी लाइन है यहाँ से यहाँ तक जा रही है फिर ऊपर फोर्टी डिग्री नॉर्थ में थोड़ी कम हो गई लाइन जो सर्कल है वो हमारा थोड़ा कम हो गया फिर और छोटा सर्कल बना और यहाँ नॉर्थ पोल में जाते जाते बिल्कुल छोटा सा हो गया तो इक्वेटर से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा अब देखिए हम ये जो है ट्वेंटी डिग्री फोर्टी डिग्री हमने लिखा हुआ है तो ऐसे हम नीचे इक्वेटर में नीचे के साइड के लिखेंगे ट्वेंटी डिग्री साउथ फोर्टी डिग्री साउथ सिक्सटी डिग्री साउथ ऐसे करके क्योंकि ये साउथ साइड में है और ऊपर वाला नॉर्थ साइड में है ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमें कोई जगह बताना है कोई प्लेस बतानी है तो उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक एरिया है ठीक है वहाँ पर जो है वो वो एरिया पे ट्वेंटी डिग्री लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है और जो एक ब्राज़ील का एरिया है जो एक ब्राज़ील का एरिया है वो भी किसपे लेटी कौन से उस पर लोकेट कर रहा है वो भी ट्वेंटी ट्वेंटी डिग्री पर ही लोकेट कर रहा है लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो महाराष्ट्र वाला है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ में यानी कि ऊपर की, की साइड और जो ब्राज़ील वाला है वो ट्वेंटी डिग्री साउथ में रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए हमने नॉर्थ और साउथ रिप्रेजेंट करे हैं अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पैडल ऑफ लेटीट्यूड कैसे बोलते हैं और क्यों हमने लिखा है क्योंकि हमें पोजीशन देखनी होती है किसी भी स्टेट की अच्छे से फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा जो जोमेटो जो और ये सारी जो आते हैं ना ऑनलाइन आते हैं जीपीएस सिस्टम जो होता है हमारा वो कैसे जो जोमेटो वगैरह वाले लोग होते हैं वो हमारे जो लोकेशन है वो कैसे देख पाते हैं वो जीपीएस के थ्रू देख पाते हैं और जीपीएस में क्या होता है यही तो होता है कि वो जीपीएस के थ्रू लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है बिकॉज ऑफ दिस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ठीक है अभी हम लैटीट्यूड uh, हमने अच्छे से पढ़ लिया अब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे लैटीट्यूड को ध्यान से देखना कि ये जो होता है ना क्या लाइंस जो है कि कैसी है लेटी हुई है लाइन ठीक है मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल में सॉरी हॉरिजॉन्टल में लाइन है ये सारी ठीक है ये हॉरिजॉन्टल में लाइन है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की होती है हमारी वर्टिकल में ठीक है अब हम आ जाते हैं इसमें देखो यही बताया हुआ है एग्जाम्पल बताया हुआ, अब आ जाओ नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अब कौन कौन सी जो uh, Latitude, pal, दे, देखा जाए तो ये पैरल है सारी लाइन लैटीट्यूड वाली है वो एक दूसरे के क्या है पैरल है अब जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं आपको बताती हूँ जो आपको लर्न करनी है अच्छे से जो एग्जाम्स में आती है वो है सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब देखिए वाला जो डायग्राम है इसमें हमें इक्वेटर पता चल गया मिड में जो लाइन है वो क्या हमारी है हमारे इक्वेटर है इससे जो ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे नॉर्थ की साइड में इक्वेटर के ऊपर पूरा क्या है नॉर्थ इक्वेटर के नीचे क्या है पूरा साउथ अब थोड़ा नॉर्थ एरिया में जाएंगे तो ट्वेंटी

टॉयलेट जोन मतलब कि सबसे ज़्यादा हीट सबसे ज्यादा हीट जो है सन की वो इस एरिया में आती है इस एरिया में सबसे ज़्यादा हीट आती है और जैसे जैसे हम मूव करेंगे सो जो ऑरेंज वाला एरिया है ये वाला देखो ये ये वाला एरिया है ऑरेंज ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ी कम हीट आती है क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेज होगी सन की वो इक्वेटर पे पड़ती है और टॉरेट जोइन पे यानी कि सबसे ज्यादा गर्मी जो होती है वो इस एरिया में होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो ठंड हमारी बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे करके क्या हो गया ये लास्ट में फ्रिज जोन यानी कि यहाँ पर पूरी बर्फ जम गई है नॉर्थ पोल में ऊपर वाला देखो ये नॉर्थ पोल होता है और हमारा ये जो नीचे वाला होता है वो होता है साउथ पोल तो दोनों पोल्स पे क्या है एक तरीके से बर्फ जम गया क्योंकि यहाँ पर जो है रो, जो है ना रेस जो है सन की वो आ ही नहीं पा रही है तो एक ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी एक तरीके से बना दिया है कितने पे है सिक्सटी सिक्स हाफ डिग्री साउथ एंटार्टिक सर्कल बोलते हैं इसे तो एंटार्टिक सर्कल किस कितने पर बन रहा है हमारा सिक्सटी हाफ डिग्री साउथ पे अब ऐसे ही नॉर्थ पे क्या बन रहा है हम नॉर्थ पे देखते हैं ये बन रहा है हमारा आर्टिक सर्कल आर्टिक सर्कल यहाँ हाफ डिग्री नॉर्थ ये बन रहा है हमारा नॉर्थ पोल पे तो अब आपको अच्छे से ल, अब समझ में आ गया होगा कि ये जो आर्टिक सर्कल है हमारा फिर उसके बाद क्या है ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर उसके बाद क्या है हमारा इक्वेटर देन ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन फिर उसके बाद आगे हमारा अंटार्टिक सर्कल फिर आ गया हमारा जोन ठीक है अब देखो ये हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है सबसे ज़्यादा गर्मी है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में टोरट जोन जिसे बोलते हैं और उसके जो ऊपर में है वो थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे करके जाके फ्रिज जोन मतलब एक तरीके से बर्फ वाला जोन वहाँ पे पूरा ठंडी ठंड होती है ऐसे ही हमारा साउथ पोल में भी होगा अब आपको ये अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये देखो इन सब में ना ये लिखा हुआ है कि आर्टिक सर्कल कौन कितने डिग्री पर लाया करता है अंटार्टिका सर्कल कितने डिग्री पर लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कितने पर करता है अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट है हमारा हीट जोन हीट जोन ऑफ द अर्थ अभी मैंने आपको बताया था टॉरेट जोन किस किस-किस के बीच में लाया करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाया करता है और टेम्परेट जोन किस किस-किस के बीच में लाया करता है जो हमारा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्टिक सर्कल ये जो मैंने अभी बताया था आपको ये जो टेम्परेट लिखा हुआ है साउथ टेम्परेट जोन ये ये किसके बीच में है ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन और अंटार्किक सर्कल के बीच में ऐसे ही ऊपर जाएंगे हम तो ये आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर के बीच में है नॉर्थ टेम्परेट जोन तो इसमें टेम्परेट टा, टा, टाम, जोन का बताया कि जहाँ पर थोड़ी आ, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थोड़ी थोड़ी होती है ठीक है अब इसमें नेक्स्ट आ जाओ फ्रिज जोन हमें पता चल गया जहाँ पर पूरा बर्फ बर्फ़ वाला एरिया होता है अब आ जाओ पे लॉन्गीट क्या होता है अब लैटीट्यूड तो हमने अच्छे से देख लिया ये वाली जो लाइंस होती हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ठीक है ठीके? और अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड पर लॉन्गीट्यूड कैसे है हमारा ये देखो ये स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब लंबी लंबी लाइन जो है हमारी अब यहाँ पर भी क्या है हमने इसको ना बीच से एक तरीके से डिवाइड कर दिया अब जो डिवाइड किया है ना हमने ये जीरो डिग्री पर है जीरो डिग्री आपको दिख रहा है नीचे अब इस साइड जाएंगे तो ये हमारा ईस्ट हो गया और इस साइड जाएंगे तो हमारा ये वेस्ट हो गया यानी कि जीरो डिग्री से हमें पता चलेगा कि वेस्ट वाला साइड कौन सा है और ईस्ट वाला साइड कौन सा है अब जीरो डिग्री से फॉर एक्जाम्पल मैं इस साइड मूव कर रही हूँ ठीक है इस साइड मूव करती जा रही हूँ थर्टी uh, डिग्री पर आ गई हूँ मैं फिर सिक्सटी पर आ गई फिर नाइन्टी पर ऐसे ऐसे करके वन ट्वेंटी पर वन फिफ्टी पर फिर वन एट्टी डिग्री लास्ट होता है हमारा वन एटी डिग्री ईस्ट ठीक है और अब ऐसे ही मैं यहाँ से मूव करूँगी वेस्ट की साइड वेस्ट की साइड ऐसे ऐसे मूव करूँगी धीरे धीरे करके करते 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 कर, 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 वन एटी यहाँ पर भी वन एटी आ जाएगा अब देखिए अभी जो ज़ीरो डिग्री है ना ये कैसे हमने डिसाइड किया है अब ज़ीरो डिग्री कहाँ पर होना चाहिए ये हमने ऐसे डिसाइड किया है कि ये जो ग्रीन विच होता है ग्रीन विच यहाँ पर ग्रीन विच है ठीक है तो उससे उससे क्रॉस होते हुए जा रही है ये ग्रीन विच पे बनाया हुआ हमने जीरो डिग्री तो अब ये क्या बोलेंगे इसको हम इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन इस इस जो मेरिडियन है जिसको जिसे हमने जीरो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड लिया है इसको क्या बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन बोला है हमने इसी से हम अपना टाइम मेजर करते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम होता है पूरे पूरा मतलब वर्ल्ड का वो हम इसी से फाइंड uh, आउट करते हैं अब देखिए नेक्स्ट अच्छा हम अगर हम इसको ये जो लॉन्गीट्यूड वाला है ये इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को ये वाला जो हमने ऊपर देखा था ये ये लैटिट्यूड वाली लाइन्स को अगर हम हम मिक्स कर दें तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन खड़ा है अर्थ पे इस पोजिशन पर खड़ा है यहाँ पर तो हमें अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे हम एक तो नॉर्थ और साउथ वाली और ईस्ट और वेस्ट अभी हमने जो नेक्स्ट उसमें देखा था लॉन्गीट्यूड वाले में इन दोनों को हमें मिक्स करना पड़ेगा अब मिक्स करके कैसा डायग्राम बनेगा तो वो मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों को इन दोनों डायग्राम्स को अगर मैं मिक्स करूँगी तो मेरा डायग्राम बनेगा ऐसा देखो अब इसमें दोनों है लैटिट्यूड भी हमारा है और हमारा लॉन्गिट्यूड भी है अब ये क्यों काम आता है ये इसलिए काम आता है क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी होती है एग्जैक्ट लोकेशन टाइम देखा जाए तो टाइम भी और एक देखिए सीजन तो भी सारा कुछ हम इससे पता कर सकते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल एक एक कोई जगह है दुबरी आसाम में वो कहाँ पे सिचुएटेड है 26 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे तो हमें पता करना है कि एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम एक ये इन्होंने ना फ्लैट चार्ट बना लिया है देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर ये बना रखा है ना तो इन्होंने यहाँ पर ये बना लिया है बताने के लिए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ए ये जो स्मॉल है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो आप इसकी लोकेशन कैसे पता करोगे आप इसकी लोकेशन ऐसे पता करोगे कि ये लैटीट्यूड में कितना है देखो पे पे है बी 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 पोजीशन कैपिटल कैपिटल लेंगे यहाँ से और यहाँ ऊपर से लेंगे कौन सी लाइन है वन यानी कि लॉन्गिट्यूड से वन और लैटीट्यूड से बी तो इसकी पोजिशन हम बताएंगे क्या लैटीट्यूड से ये देखो बी डिग्री नॉर्थ बी डिग्री नॉर्थ और यहाँ पे हम बताएंगे वन डिग्री ईस्ट वन डिग्री ईस्ट देखो अब यहाँ पर हमने ये करा था ना स्मॉल ए स्मॉल ए की हमें पोजीशन बताने की ये पर्सन ये खड़ा हुआ है तो इसका एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगी यानी कि वन डिग्री ईस्ट पे है ये और बी डिग्री नॉर्थ अब बी डिग्री नॉर्थ हमें पता चलेगा यहाँ पर नॉर्थ क्यों लिखा है और यहाँ पर ईस्ट क्यों लिखा है क्योंकि अभी हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ा था कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ को हम कैसे डिवाइड करेंगे ग्लोब में तो इससे हमें इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी जो भी पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा तो इसी 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 की हेल्प से जो है जितने भी हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इसी इसी की हेल्प से हमारे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमारे घर की एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ पाता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अब आपको पता चली गया होगा कि हम कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या कुछ भी मंगाते हैं कहीं से भी तो उस पर्सन को हमारी लोकेशन कैसे पता चल जाती है एग्जैक्टली exactly? वो जी पी एस सिस्टम से पता चलती है और जी पी एस सिस्टम में ये ही सारा ये जो मे लॉन्गी और लैटीट्यूड का सिस्टम होता है ये सारा उसमें फीड होता है तो इस तरीके से हम उनको पता चल जाता है हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है अब देखिए लॉन्गीट्यूड ना एक और चीज़ में काम आता है लॉन्गीट्यूड टाइम को अच्छे से डिफ़ाइन करने में काम आता है अब हमें पता है कि जो लॉन्गीट्यूड है वो जीरो डिग्री से जो जीरो डिग्री है जीरो डिग्री कहाँ पर है ग्रीनविच पे है ठीक है इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं अब देखिए अब हम जो टाइम है ना वो कैसे डिफाइन करेंगे अब टाइम को देखो ऐसे डिफाइन करते हैं हम इस दोबारा से इस वाली फिगर पे जाते हैं ये देखिए जीरो डिग्री है अब यहाँ पे है ग्रीनविच यानी कि प्राइम मेरिडियन है हमारा ये प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की साइड जाएंगे ना ईस्ट की साइड जाएंगे तो ये टाइम क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो डिग्री पर हमारा वन आर है तो यहाँ पर बढ़ता जाएगा टू आर यानी कि जो अगर यहाँ पर यहाँ पर वन रहा है ठीक है और यहाँ पर अगर हम आ, आगे आ, को, आगे को जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा यानी कि उधर अगर एक बज रहा होगा तो उस टाइम यहाँ पर तीन या चार बज रहे होंगे इस टाइप से होता है मतलब कि टाइम जो है आगे बढ़ रहा है लेकिन अगर हम जीरो डिग्री के इस साइड में जाएंगे वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम क्या होगा हमारा डिक्रीज होता जाएगा तो अब इसको मैं अच्छे से डिफाइन करके बताती हूँ कैसे होता है अब देखिए जो फिफ्टीन डिग्री होता है ना वो एक आर में यानी कि वन आर में कितना रोटेट होता है ये मतलब एक आर में फिफ्टीन डिग्री और वन डिग्री में फोर मिनट यानी कि अगर ये एक डिग्री मूव करेगा अगर जो अर्थ है थोड़ा सा टिल्ट होगा कितना वन डिग्री तो फोर मिनट्स आगे पहुंच जाएगा मतलब कि जीरो डिग्री से अगर हम थोड़ा वन आर वन वन डिग्री आगे जाएंगे सर जीरो डिग्री लिखा है ना यहाँ पर तो अगर हम वन वन डिग्री थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फोर मिनट्स अहेड यानी कि यहाँ पर अगर एक बज रहा है जीरो डिग्री पर अगर एक बज रहा है तो अगर हम वन डिग्री पर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक बज के चार मिनट यानी कि कितना हो जाएगा एक बज के चार मिनट ऐसे भरता है टाइम तो देखा जाए तो टाइम अगर एक घंटे में अगर हम एक घंटे में देखें कि एक घंटे में हम कितना डिग्री मूव कर रहे हैं आगे ठीक है तो वो भी हम इसके इससे अच्छे से, से कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखिए जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं तो अलग अलग उनके लोकल टाइम्स भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया का है तो हमारे इंडिया में जो है ना वो हमने इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना जैसे प्राइम मेरिडियन तो पूरे वर्ल्ड का है जो मैंने अभी आपको बताया था जीरो डिग्री पर है और हमारा जो इंडिया का है वो क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन है अब स्टैंडर्ड मेरिडियन है तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो कितना हो रहा है हमारा ये स्टैंडर्ड मेरिडियन एटी हाफ डिग्री ईस्ट एटी टू हाफ डिग्री ईस्ट है यानी कि जो इस वाले इस डॉट डॉट वाली लाइन पे जो भी टाइम होगा वो ही पूरे इंडिया में माना जाएगा अगर यहाँ पे एक बज रहा तो है, है तो पूरी इंडिया में क्या बज रहा है हमारा एक बज रहा है ठीक है अगर यहाँ पे दो बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में क्या बज रहे हैं दो बज रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम स्टैंडर्ड मैरिडियन आपसे पूछ सकते हैं कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड मैरिडियन है उसके कितना है बताओ कितनी वैल्यू है तो हम बोलेंगे एटी टू हाफ डिग्री ईस्ट तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अब देखिए जैसे बोलते हैं ना कि इंग्लैंड में जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल एक मैच स्टार्ट हो रहा है एक मैच स्टार्ट हो रहा है लंडन में वो कितने बजे हो रहा है दो बजे हो रहा है दो बजे अगर लंडन में स्टार्ट हो रहा है मैच तो उस टाइम हमारे यहाँ इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा तो लंडन के कंपैरिजन में ना जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसके कंपैरिजन में हमारी इंडिया का टाइम फाइव और थर्टी मिनट्स आगे चलेगा अगर वहाँ पे दो बजे अगर मैच स्टार्ट हो रहा है तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे सेवन थर्टी पी एम साढ़े सात बज रहे होंगे शाम के तो इसलिए बोलते हैं ना कि जैसे मैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे दिन हो रहा है यहाँ पे रात हो रही है ऐसे ऐसे आप सुना भी होगा तो वो क्यों होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम की वजह से यानी कि ये ज़ीरो डिग्री है तो हमारा जो इंडिया है वो कितना है यहाँ पे ईस्ट वर्ल्ड है कितना कितना डिग्री एटी टू डिग्री थर्टीज़ ठीक है एटी टू डिग्री थर्टी ईस्ट यानी कि इस साइड में होगा हमारा इंडिया तो कितना आगे है कितना टाइम आगे हो जाएगा फाइव आवर थर्टी मिनट्स अगर लंडन में यानी कि यहाँ पर लंडन गया एक तरीके से ज़ीरो डिग्री पे कर रहा है लाई ठीक है जीरो डिग्री पे लाई कर रहा है तो लंडन में अगर दो बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में कितने बजेंगे उस टाइम पे सेवन थर्टी क्योंकि फाइव आवर थर्टी मिनट्स आगे चल रही है वॉच देखा जाए तो और अगर वेस्ट की साइड जाएंगे वेस्ट की साइड जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा टाइम तो इसी तरीके से हम अपना जो स्टैंडर्ड टाइम है और जो लोकल टाइम होता है स्टेट्स मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का इसी से डिफाइन करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड से इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ये जो कन्सेप्ट है ना वो काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आते हैं अगर अभी समझ में नहीं आए तो आगे जाके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ है सारे कन्सेप्ट को और बाकी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी थैंक यू